हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नेम है एक होटल में एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होटल में एंटर करने के लिए, जैसे आप किसी होटल में गएंगे, आपने देखा होगा वहाँ के रूम देखे होंगे, वहाँ की जो है वहाँ का स्टाफ देखा होगा कि किस तरह का स्टाफ है, और आपका जो मन भी करता है एक स्टाफ को, किसी भी स्टाफ को देख के, कि मैं भी इस होटल का एक मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं भी इस होटल का एक स्टाफ में एंटर करना चाहता हूँ, और वो किस तरह से की जा सकती है। और आप सोचते होंगे कि काफ़ी टफ है, काफ़ी मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। आप भी एक होटल के मेंबर बन सकते हैं, स्टाफ बन सकते हैं, और आप एंटर कर सकते हैं आसानी से। कोई ये ज़्यादा जो है टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अगर प्लस टू आपने कर रखी है तो आपको डिग्री करनी होगी, या फिर आपने डिप्लोमा आप कर सकते हैं। अगर आपकी जो है 10th पास हो तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको डिग्री करनी है तो आप प्लस टू के बाद ही आप जो है डिग्री कर पाएंगे। अगर आपने जो है आपने सिर्फ प्लस टू भी आपने कर रखी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी हो, या फिर आपने बीकॉम कर रखी है, और फिर भी आपका मन करता है कि मैं एक होटल का हिस्सा बनूं, एक होटल में मैं जो है एम्प्लॉय मैं बनूं, तो किस तरह से आप एक होटल का एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो फिर आप जो है आपको क्या करना है, आप एचआर में आप जो है जो एचआर में अप्लाई कर सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, स्टोर मैनेजर में जो है अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी सारे स्टाफ है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, यहाँ तक कि आप फ्रंट ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज, या फिर आप अकाउंट्स में जो है अगर आपने बीकॉम कर रखी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने जो है ये सब भी नहीं किया, फिर भी आप सोचते हो कि मैंने ये सब भी नहीं किया और मैं जो हूँ मैं 10th पास हूँ या फिर 11 है, तो फिर आप क्या करोगे, या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन ही कर रखी है, आपको कुछ कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, या फिर किसी सेल्स या मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, फिर आप सोचते हो कि मैं किस तरह से एक होटल के अंदर एंटर कर सकता हूँ। आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप जो है एक्सपीरियंस के बेस से ही आप एक होटल में एंटर कर सकते हो। और आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट एक बड़े होटल में, 5-स्टार होटल में एंटर कर सकता हूँ, बट नहीं, आप एक 5-स्टार होटल में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको छोटे रेस्टोरेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके कुकिंग एक्सपीरियंस अच्छी है तो आप कुकिंग में जाइए, या फिर आपका जो है सर्विस अच्छा है, हाउसकीपिंग क्लीनिंग जो है, आपको हाउसकीपिंग अच्छे से आती है, आपने जैसे आपने स्टडी नहीं करी बट आपने वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है कि एक हाउसकीपिंग का जो रोल क्या होता है और क्लीनिंग कैसे होती है, तो ये सब आप एक छोटे रेस्टोरेंट से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके लिंक बढ़ जाते हैं, फिर आप एक बड़े होटल में जो है अप्लाई करके और एक बड़े होटल के जो है मेंबरशिप आप बन जाते, मींस आप एक वहाँ के एम्प्लॉय बन जाते हो। अगर आपका पास ये सब कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक अप्रेंटिस का फॉर्म होता है वो आपको भरना होगा। उसके बाद आपकी जो है अप्रेंटिस का जो कोर्स होता है वो 2 ईयर का होता है। उसके बाद 2 ईयर के बाद आप किसी भी होटल में, 5-स्टार होटल में आप जो है जॉब कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने जो अप्रेंटिस का फॉर्म भरा आपकी स्टार्टिंग के 5-स्टार होटल में जो आपकी ट्रेनिंग लग जाए, 4-स्टार भी हो सकता है या फिर 5-स्टार भी आपका हो सकता है, बट आपका आप जो है एक न एक दिन आप 5-स्टार होटल में आप जो है पहुंच ही जाते हैं। बट आपके अंदर वो जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपने माइंड में सोच लिया, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज़ है कि जब आप कुछ माइंड में सोच लेते कि ये मुझे करना है तो वो आप करके ही रहते हो। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको जरूर दूंगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि मैंने जो इतनी सारी वीडियो बनाई है आपको सारी वीडियो कैसी लगी, आप उससे जो है क्या फील करते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, आपको कोई नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ वो आपको मिलती है या नहीं मिलती, वो सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो देखते हैं और कौन मुझे जो है फॉलो करते हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।